स्वागत है आप सभी का तेज तर्रार में। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। यहाँ पर जो है नवरात्रों के दिनों में हर साल रामलीला का जो है पूरा आयोजन किया जाता है। यहाँ पे मेला लगता है और ये जो है पंजाबी बाग का एक मशहूर रामलीला मैदान है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ देखने आते हैं। तो हम भी आज यहाँ पर आप पहुँचे आप लोगों को दिखाने कि आखिरकार कैसा ये मेला लगा है, क्या यहाँ पर प्रस्तुति होगी रामलीला की। इसी के साथ हम आपको कलाकारों से भी मिलवाएंगे, पूरी जो मेला है वो भी घुमाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं मेले के अंदर। तो देखिए अभी हम आ गए हैं इस मेले के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमें दिख रहा है। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो है फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। अभी थोड़े बहुत लोग भी यहाँ पर आ गए हैं जो कि इस मेले को एंजॉय करने आए हैं। यहाँ पर कई सारे झूले लगे हुए हैं और दूसरी साइड जो है वहाँ पे टेंट है, दूसरी साइड वहाँ पे रामलीला का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे सब लोग जो है अभी परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, अभी मेला भी चल रहा है। तो आइए लोगों से जुड़ते हैं, मैं आपको मेला घुमाती हूँ कि कैसा ये मेला है, क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, क्या कुछ खाने पीने का यहाँ पर सामान है। आपने इन किरदारों को कई बार ऑन स्टेज देखा होगा, लेकिन आइए एक बार इनसे अंदर जाके मिलते हैं बैक स्टेज और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 2 सालों बाद ये वापस से परफॉर्म करने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। चलिए, तो आप राम का रोल निभा रहे हैं। यस मैम। कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हर साल आप ही निभाते हैं ये रोल? पंजाबी बाग में मैं फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं दिस इज माई मतलब ये मेरा 7th ईयर है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, बट हाँ पंजाबी बाग में फर्स्ट टाइम है। तो आप मंथरा का रोल निभा रहे हैं? यस। हर साल यही रोल निभाते हैं? हाँ। पंजाबी बाग में पहली बार कर रहे हैं कभी? 7-8 साल से कर रही हूँ मैं पंजाबी बाग में। यस, पंजाबी बाग में ही कर रही हूँ। जैसे पिछले 2 सालों से लॉकडाउन था और ये सब चीज़ें, और इस साल जाके रामलीला हो रही है, तो कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, 2 साल बाद दोबारा ये मौका मिला है क्योंकि यहाँ एक अलग ही खुशी होती है, मतलब 10 दिनों में अलग ही मज़ा आता है चीज़ों को करने में। तो आप सीता का रोल निभा रहे हैं? जी जी। 2 सालों बाद कितने एक्साइटेड है? वैसे मैंने पहले अयोध्या में किया था विश्व सुंदरी और वेदवती, फिर उसके बाद मैं मूवी, एक्चुअली आई एम एक्ट्रेस, तो मैंने मूवी सॉन्ग्स बहुत किए हैं, बट ये जो अभी जो अपॉर्चुनिटी मिली सीता की, इट मैंने कहा चलो ये भी ट्राई। पहली बार कर रहे हैं सीता का? हाँ, सीता का रोल मैं पहली बार निभा रही हूँ और इसमें मुझे सपोर्ट करने वाले मतलब लाइक रवि जी हैं जो यहाँ के मुख्य अध्यक्ष और डायरेक्शन जिन्होंने दिए हैं, उनके भी आप पे भी मुझे लगा कि मैं निभा सकती हूँ इसको, तो मैं इसलिए कर रही हूँ। चाहे किसी ने पहले भी रामलीला देखी हो, लेकिन बार बार देखने फिर भी हर कोई आता है, उन दिनों को वापस से जीने यहाँ पे लोग आते हैं। तो देखिए वही स्टेज है जहाँ पर रामलीला दोबारा से जो है चलेगी। हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बड़ा स्टेज है, भव्य रामलीला जो पंजाबी बाग में हर साल होती आई है, 2 साल बाद आज दोबारा से होगी। और हम देख सकते हैं स्टेज पूरी तरह से सज चुका है, अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर लोग भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं रामलीला देखने के लिए, पूरा मैदान जो है वो खाली है, लेकिन धीरे धीरे लोग आने शुरू होंगे और
जो है लोग वापस से त्रेता युग की इस रामलीला का जो है मज़ा लेंगे, क्योंकि दशहरा के दिनों में तो एक आम बात है लोग जो है रामलीला देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें एक तरह की जो एक्साइटमेंट होती है कि क्या हुआ होगा उस वक्त। तो देखिए 2 साल बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास हमें देखने को मिल रहा है रामलीला को लेकर, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड के चलते काफ़ी लोग जो है ये सब चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाए, रामलीला ही नहीं हो रही थी, तो ये लोगों से जुड़ते हैं। जी सर, आप कितने एक्साइटेड हैं इस रामलीला? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने यहाँ पर आके झूले हुए लगे, सब कुछ लगाए। 2 साल बाद आए हो, 2 सालों से कुछ नहीं हो रहा था और कुछ बहुत दिक्कतें थी सबको, वो दिक्कतें दूर हो गई हैं, अच्छा लग रहा है, सब इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें। अब रामलीला देखेंगे अंदर? हम जरूर देखेंगे, जब आए तो जरूर देखेंगे ना इस चीज़ के लिए। तो देखिए एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पर ही आपको काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स दिख जाएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं गोलगप्पे का स्टॉल है और आगे जो है काफ़ी सारे अलग अलग खाने पीने के आइटम्स के स्टॉल है, जो कि यहाँ पर लोग जो यहाँ पर आए वो ज़्यादा भूखे न रहे और साथ साथ एंजॉय भी करते रहे। जी भैया, ये क्या है? ये मल्ली पापड़ी। कितने रुपये प्लेट है? 130। 130 रुपये? 130। ये क्या है भैया? आलू टिक्की है जी, 130 रुपये की है जी। तो हमने देखा कि भल्ला पापड़ी भी 130 रुपए की है, आलू टिक्की भी 130 रुपए की है, आलू चाट कितने की है? 100 रुपए की आलू चाट है, हम देख सकते हैं। साथ साथ जो है कितना सुंदर यहाँ पे सजाया भी गया है इन सब स्टॉल्स को, ताकि दर्शक भी जो है अट्रैक्ट हो यहाँ पर आएं और खाएं। हम देख सकते हैं अभी आगे भी यहाँ पे नूडल्स बन रहे हैं, पाव भाजी है, यानी काफ़ी सारे हमें खाने के स्टॉल दिख रहे हैं। इन सभी के रेट भी है, हमने यहाँ पे पता करने की कोशिश करी कुछ चीज़ों के। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेन्यू कार्ड पूरा लगा हुआ है, जो जो चीज़ें इस मेले में मिल रही है खाने पीने की, क्योंकि रामलीला का आयोजन नवरात्रों के दिनों में होता है और उन दिनों अक्सर काफ़ी लोगों के जो है वो व्रत भी होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक व्रत वाली कुल्फी का प्रॉपर जो है चार्ट लगा रखा है, प्रॉपर जो है काफ़ी सारी आइटम्स है कुल्फी की, जो कि व्रत में भी लोग आराम से खा सकते हैं, यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे रेट लिस्ट भी लिखी है कि किसी को भी दिक्कत ना हो और उन्हें जो है लेने से पहले वो रेट भी देख लें। क्या टेस्टी होता है? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी होती है जी, मैंगो आइसक्रीम जैसे स्टम में है। हाँ, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंगो है नीचे और इसके ऊपर इन्होंने कुछ इसकी गिठली निकाल के जी, हाँ। इसके अंदर केसर पिस्ता रबड़ी होता है, इसके अंदर बहुत मेहनत से होता है ये। तो देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी की खाने पीने की चीज़ें दिख रही हैं। आगे आइए, आपको और मेला घुमाते हैं कि कैसा मेला है यहाँ पर। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक इन्होंने टिकट काउंटर बना रखा है, जो कि किसी को भी कुछ भी खाना पीना हो वो यहाँ से पहले जो है कूपन ले और फिर वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें खरीद लो। देखिए यहाँ पर भेलपूरी का ये कॉर्नर लगा हुआ है। भैया कितने रुपये प्लेट है? 50 रुपीज़। 50 और 70। सेव पूरी 60 रुपीज़। अलग अलग रेट है इस जगह के भी, भेलपूरी के 60 रुपीज़, किसी के 70 रुपीज़, चना गरम के 40 रुपये। तो अलग अलग यहाँ पे रेट है। इसी के साइड में हम एक स्टॉल देखेंगे जो कि पान का है, यानी यहाँ पे पान भी, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर तरीके के खाने पीने का सामान यहाँ पर है, ताकि जो भी लोग रामलीला देखने आए हैं, इस भव्य मेले को इन्जॉय करने आए हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, वो प्रॉपर अच्छे से दशहरा के इन दिनों को इन्जॉय कर सकें। नवरात्रों में जो ये लगती है यहाँ पर, हर किसी को ही एक अलग क्रेज़ होता है, क्योंकि 2 साल बाद ये लगा है तो लोगों को ज़्यादा ही क्रेज़ है। अभी धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, आपको और मेला घुमाते हैं। देखिए यहाँ पे एक और हमें गेम देखने को मिली है, जो कि हुपला की है, यानी कोई भी यहाँ पे रिंग फेंकेगा इसमें तो जो भी सामान उसे मिलेगा वो सामान उसका हो जाएगा, ऐसा ही होता है इस गेम में। भाई इस जो ये गेम है हुपला की, इसका प्राइस क्या है? इसका 50 में 4 खेलने हैं रिंग देने, 50 में 4 से ज़्यादा करनी हो तो वो दोबारा से फिर 50 का फिर दोबारा करना पड़ेगा। लोग जीत रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं? जीत रहे हैं, काफ़ी जीत रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ एक अलग तरीके की गेम है, यहाँ पर इसका नाम बम्पर प्राइज नंबर 36 कुछ ऐसा है। और यहाँ पर क्या है भैया इस गेम में? मैम इन इस गेम में यह है कि इन धागों में सब में प्राइज है, और जो आपको एक धागा दिया जाएगा, लकी धागा दिया जाएगा, आपने चॉइस करना धागा, जो सा आप धागा खींचोगे उसमें जो इनाम मान निकलेगा वो आपको प्राइज दिया जाएगा। कितने रुपये की टिकट है? मैडम 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ की टिकट जी मैम। हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अलग अलग तरीके की यहाँ पे गेम्स भी है, कि लोगों को जो है रामलीला देखने आए हैं वो काफ़ी इंजॉय भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ जो है एक और यहाँ पे गेम है चूज़ वन नंबर स्पिन की, जो है ये गेम है यहाँ पर, एक बच्चा खेल भी रहा है। इसका प्राइस क्या है? 50 रुपीज़ है मैडम। 50 रुपीज़। कितने चांस मिलेंगे? वन चांसेस के अंदर 5 नंबर चॉइस करने के लिए देंगे आपको, इसमें से कोई सा भी नंबर आपका आता है तो कोई सा भी डैडी ले सकते हैं यहाँ से आप, और 36 नंबर बिग प्राइज़ है हमारा बिग डैडी का। हाँ जी मैम,
वेलकम। आप खेलने आए इस गेम? यस मैम। आया कोई प्राइज अभी तक? यस, कल आया था 36 नंबर। 36 नंबर तो टेडी बियर मिला था? यस मैम। कितने टाइम बाद आए आप इस मेले में? पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हो। जैसे अभी दो साल से कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था और ये मेले वगैरह हो नहीं रहे थे, जैसे रामलीला की एक्साइटमेंट रहती है अलग सी, तो इस बार आप कितने एक्साइटेड हैं ये देखकर? अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद आए हैं यहाँ मतलब मेला देखने, क्योंकि दो साल से कोविड था तो कोई कहीं इंजॉय नहीं कर पाया आज तक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम बाद। हर रोज़ आ रहे हैं रामलीला देखने या आज ही पहले दिन आए हो? मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ। हाँ, आप कितने एक्साइटेड हो? मैं दो साल। आप पहले आए हो मेले में? आए हो इससे पहले? झूले झूलोगे? अब इतने सारे सारे झूले, डर नहीं लगता आपको? चलो झूलो। तो देखिए, मेलों की सबसे अच्छी बात होती है उनका खाना और ये झूले। झूले तो सभी का जो है फेवरेट सेक्शन होता है किसी भी मेले में। हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा भी लोग हमें इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे झूले हम देख पा रहे हैं, वो जायंट व्हील वहाँ पर है, ये बड़ी जो ट्रेन है ये हम देख रहे हैं, वहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, वो बम्पी जो राइडर होता है जंपर उस पर इंजॉय कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे लोगों से भी जुड़ते हैं और हम आपको भी दिखाते हैं किस तरीके के यहाँ पे झूले हैं, कितना यहाँ पर जो है अच्छा लग रहा है, आगे हमें भी अच्छा लग रहा है तो लोगों को तो लग ही रहा होगा। ये जुड़ते हैं जी। मैम पहली बार आए हो आप? नहीं मैम, कई बार आ चुके हैं। आपको अच्छा लगता है सब झूले लेने? हाँ जी अच्छे लगते हैं, पर टिकट बहुत महंगी है। कितने कितने की टिकट है? 100-100 की टिकट है। अब कई लोग इतनी इतनी नहीं अफोर्ड कर पाते, अगर दो तीन जने हैं कह देते हैं कि थोड़ा सा कम कर लो तो कहते हैं नहीं नहीं, खाली रहते हैं लेकिन टिकट नहीं कम करेंगे। आप कितने खुश हैं, आपका बच्चा अंदर गया हुआ? हाँ जी, सेम फैमिली से है। इस पूरे मेले को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? काफ़ी एक्साइटेड हैं मैम, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा वो देखा हमने, अरेंजमेंट वगैरह। हाँ जी, जैसे दो सालों से बंद था और पंजाबी बाकी जो रामलीला है भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, तो आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? जी फर्स्ट टाइम आए जी। तो देखिए इस उत्सुकता भरे माहौल में हम आ गए हैं, लेकिन हम कई लोगों से जुड़े जिन्होंने हमें बताया कि इस झूलों के प्राइजेज जो हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो एक बार हम जुड़ने की कोशिश करते हैं जो ये प्राइस है इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा झूला जो है कितने प्राइस का है। देखिए हम सारे झूलों का तो नहीं बता पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे आपको सभी झूलों के जो ऑलमोस्ट प्राइस बता सके, ताकि अगर आप भी यहाँ पर आए तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। कितनी टिकट है इस जंपर की? 70 रुपये की। एक बच्चे की? हाँ जी 70 रुपये की। ये भी 70 की? हाँ जी। तो लोग आ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं? आ रहे हैं। देखिए इस मेले का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ पर सब लोग जो है इस झूले पे काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी खुश होते हैं, जो ये जायंट व्हील आप देख रहे हैं इसका प्राइस है 100 रुपये, और जो ये ट्रेन साइड में थी ड्रैगन वाली उसका प्राइस था 70 रुपये, और जो ये हम ये देख रहे हैं जो ये शिप वाला झूला हम देख रहे हैं इसका प्राइस भी 100 रुपये है। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग हमें एक्साइटेड दिख रहे हैं झूलों को झूलने के लिए, क्योंकि ये जो मेले होते हैं कुछ खास दिनों पे ही लगते हैं, त्योहारों के दिनों पे ही लगते हैं, तो लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये पूरा हम देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा खुश है। तो आप कितने एक्साइटेड हो उस मेले को देख? बहुत ज़्यादा झूला झूलने के लिए, बहुत ज़्यादा। अच्छा झूला झूलने आए हैं अब यहाँ पर? हाँ। खाने पीने नहीं आए? बाहर का इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट झूला झूलने का बहुत मज़ा है। रात तो यहाँ पे रामलीला की जैसे दूसरी बार दो साल बाद जो है ये मेला लगा तो अच्छा लग रहा है देखो। बहुत। रामलीला देखेंगे आप? पुराने दिन वापस आ गए ना, लास्ट टाइम बहुत गंदे थे। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आके? अच्छा अच्छा लग रहा है। झूले झूले आपने? जस्ट अभी आए हैं, बट जस्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। रामलीला देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। आपको पता है स्टोरी रामलीला की क्या हुआ था रामायण में? हाँ बताना थोड़ा। राम कौन था? रावण। जो रावण था वो सीता को उठा के ले गया था, तो फिर हनुमान जी सीता जी को लेके आए थे राम जी के पास। आप देखिए रामलीला और आपको अच्छा लगेगा। बाकी जो प्राइस वगैरह कुछ नहीं। अच्छा मतलब ये नहीं कोई टिकट एंट्री प्राइस हो, फ्री में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, मेला एंजॉय कर सकते हैं? अच्छा यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कैसे किए गए हैं? जैसे पब्लिक प्लेस है, आम जनता के लिए सेफ है ये? हाँ सेफ, चारों तरफ गार्ड लगे हुए हैं, सारे प्रॉपर सेफ है। तो देखिए अब हमने आपको पूरा मेला घुमा दिया है और अब जैसे कि अंदर से रामलीला की आवाज़ें आ रही है कि रामलीला शुरू हो गई है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है रामलीला देखने की। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए रामलीला देखने चलते हैं, आइए। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही है, जो
जो कि दो सालों बाद देखने को मिल रही है हम लोगों को। कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग खुशी भी दिख रहे हैं हमें, कितने ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंसेस चल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है। अभी यहाँ पे गणेश वंदना जारी है क्योंकि अभी जस्ट रामलीला शुरू हुई हुई है। धीरे धीरे यहाँ पे लोग आने शुरू होंगे, भीड़ भरनी शुरू होगी। रामलीला अभी भी जारी है जिसे लोग आज भी उतने ही हर्षोल्लास उतने ही उत्सव से देखते हैं। अभी भी जो हम देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ से लोग जा रहे हैं उस रामलीला का एंजॉय करने, किस तरीके से वो देखना चाहते हैं आज भी। हालांकि सब लोगों को रामायण की कहानी पता है, फिर भी लोग उतने ही उत्साह से उसे आज भी देखते हैं। इसके अलावा हमने आपको ये पूरा दशहरा का मेला घुमाया, कितना ज़्यादा अच्छा ये मेला था, कितना ज़्यादा यहाँ पर हमें उत्साह देखने को मिला लोगों के बीच में, कितने तरीके के झूले थे यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें थी। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो पंजाबी बाग का ये मेला काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ के कलाकारों की हमने मेहनत देखी, खुद जाकर उनसे मिले, कितनी ज़्यादा मेहनत वो करते हैं अपने रोल्स निभाने से पहले वो हमने देखा। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसको लेकर जो भी आपकी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।